गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फर्स्ट क्राई समर शॉपिंग हॉल। जी हाँ, आप अगर मुझे कंटिन्यू वॉच करते आए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एवरी समर सीजन में ही मऊ के जो कपड़े होते हैं वो बाय करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो एवरी ईयर मैं घर के भी कपड़े उसके लिए लेती हूँ और बाहर डालने के लिए भी लेती हूँ, तो इस तरह से पूरा शॉपिंग उसकी भी मैं समर में करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ बाहर डालने के कपड़े उसके लिए लिए हैं, क्योंकि उसके लिए घर के जो कपड़े हो वो अभी तक है बहुत है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर डालने के लिए ही सिर्फ उसके कपड़े मैं इस साल लूँगी। तो जी हाँ, आज हो रहा है फर्स्ट क्राई समर शॉपिंग हॉल वीडियो, तो काफ़ी लोग मुझे इस वीडियो की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने माओ के लिए क्या क्या लिया है इस समर के लिए। और हाँ, लास्ट के लास्ट वीडियो में जब हम फ्लैट देखने गए थे उस वीडियो में मैंने एक जंप सूट डाला है, H&M का है वो जंप सूट। तो मुझे कोई पूछ रहा था कि वो उसे क्या कहते हैं और वहाँ वो कहाँ से हम बाय कर सकते हैं, तो उसे जंप सूट कहते हैं और वो H&M ब्रांड का है। तो ऑनलाइन मैंने मिंत्रा से लिया था, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप ऑफलाइन H&M की शोरूम में जाकर उसे ले सकते हैं। तो जी हाँ, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एक फ्रॉक है जो मैंने माऊ के लिए लिया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो में ये फ्रॉक नहीं है। बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक है, पीच कलर में, यहाँ पर पिंक कलर दिख रहा है, लेकिन ये पीच कलर का फ्रॉक है जो अभी तक आया नहीं है। और एक प्रोडक्ट जो है वो मैंने रिटर्न कर दिया है, क्योंकि उनके एक्सचेंज पॉलिसी पता नहीं क्यों इस अभी तो फिलहाल नहीं है, होती है लेकिन अभी नहीं है, पता नहीं क्यों। ये एक फ्रॉक है जो मैंने लिया था, आज ही रिटर्न हो गया है। ये फ्रॉक पिंक कलर का है, बहुत ही यूनिक सा डिफरेंट सा है। पीछे इसका वी नेक है और ये टाई करने ये टाइप है उससे पीछे की साइड, तो बहुत ही क्यूट सा और कलर भी बहुत ही फ्रेश था। लेकिन ये माऊ को बड़ा हो रहा था तो इसलिए मुझे एक्सचेंज करना था, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रहा था तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। और अभी और एक प्रोडक्ट मुझे रिटर्न ही करना है, लेकिन मुझे उसी ब्रांड का वो प्रोडक्ट रिटर्न फिर से बाय करना पड़ेगा क्योंकि एक्सचेंज नहीं है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सबसे पहले वही दिखा देती हूँ। तो ये मैंने माऊ के लिए शूज़ दिए, शूज़ नहीं क्लॉक्स है, आप इसे क्लॉक्स शूज़ कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, मल्टी कलर है, पूरे वाइट है और ये मल्टी कलर पर डिज़ाइन है और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि बहुत हेवी, लेकिन बहुत लाइट वेट है। और डेढ़ साल पहले भी मैंने इसी ब्रांड का इसी तरह के माऊ के लिए लिए थे, काफ़ी अच्छे चले। अभी वो उसे कम पड़ रहे हैं, वरना वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अभी उसे कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए ये लिए। उसके शूज़ भी है, स्लीपर भी है, सब है, लेकिन वो इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। और हम जब भी बाहर जाते हैं टैक्सी में वगैरह, वो ऐसे सीट पर चढ़ जाती है, तो शूज़ वगैरह निकालना फिर डालना बहुत दिक्कत का काम है, तो ये बहुत ही ईजी पड़ता है। ये स्लीपर की तरह आप इसके अंदर पैर भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से शूज़ की तरह, सैंडल की तरह यहाँ पर बेल्ट लगाकर यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है डेली यूज़ के लिए। और मैं कोई अलग अलग से चप्पल्स वगैरह लेती नहीं रहती हूँ माऊ को, यही डेली भी डालती है, कहीं फंक्शन हो कहीं भी हो, एक ही चप्पल उसकी चल जाती है। क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी उनको कपड़े या कुछ भी छोटा पड़ने लगता है, तो इसलिए अलग अलग टाइप के लेकर कोई फ़ायदा नहीं, जो यूज़ करते हैं वही लेना बेटर है, तो इसलिए मैं उसके लिए यही लेती हूँ। तो इसका ब्रांड है येलो बी, और जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाऊंगी सबका प्राइस मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है और अभी मुझे लगता नहीं कि मुझे सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो याद रहेंगे, तो इसलिए मैं डिस्प्ले पर दे दूंगी। पहले इसे अच्छे से पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न जाने वाला है। ये प्रोडक्ट जो है वो माऊ को अभी बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत चल जाता, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मुझे अभी रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज नहीं है। तो रिटर्न करके मैं इसी ब्रांड का दूसरा मंगवाऊंगी, लेकिन इस बार मैंने जो है फ्लावर प्रिंट में सेम प्रोडक्ट
फ्लावर प्रिंट में मंगवाए हैं मल्टी कलर, तो वो मुझे बाद में दिखा और बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छा वो लगा तो मैंने वो लिया, सेम प्राइस था। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट्स, जीन्स भी कह सकते हैं आप इसे, और ये बहुत ही फ्रेश कलर है, मस्टर्ड येलो कलर है और कॉड्रा पैंट है ये, और साइड से कुछ इस तरह से है, सामने दो पॉकेट है, पीछे दो पॉकेट है, और अच्छी बात है कि ये इलास्टिक एडेड है। लास्ट टाइम मैंने गलती की थी, लास्ट ईयर मैंने माऊ को वाइट कलर की डेनिम जीन्स ली थी शॉर्ट में ही, लेकिन मैंने उसे जिप और जो बटन होते हैं ना उस टाइप का लिया, और उसे वो तब ढीली हो रही थी, और बटन जिप लगाने के बाद भी वो गिर रही थी, और बेल्ट से मैंने नहीं लगाया था तब, तो इस बार मैंने सोचा कि इलास्टिकेटेड ही लेते हैं उसके लिए। और यहाँ पर अंदर टाई करने के लिए भी है, अगर इलास्टिक होते हुए भी ये लूज होती होगी तो आप से टाई भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है ये ब्रांड है कीडो पंती, और ये मैंने इसमें कलर भी बहुत अवेलेबल थे, लेकिन मैंने ये वाला कलर इसलिए लिया कि इसके साथ वाइट, ब्लैक, रेड बहुत सारे कलर इसके साथ चल जाएंगे, तो इसलिए ये वाला लिया, क्योंकि माऊ के पास वाइट एक जीन्स है ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग सा कलर लेते हैं। और डेनिम ब्लू वगैरह जो कलर होते उसके साथ मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ली है माऊ के लिए डंगरी, ब्लू कलर की डंगरी ली है, तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट ब्लू में नहीं ली, तो ये कुछ इस तरह की डंगरी है। लास्ट ईयर भी मैंने माऊ के लिए डंगरी ली थी, लेकिन वो बड़ी ली थी, फुल साइज ली थी, लेकिन इस बार मैंने शॉर्ट पे ली है, और ये वाइट कलर की इस तरह से लेस की डिटेलिंग है इसके ऊपर, सामने एक छोटा सा पॉकेट है, और यहाँ पर इस तरह से ये हुक्स है, और पीछे के साइड यहाँ पर इलास्टिक है, और ये इसके बेल्ट कुछ इस तरह से। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के, आपने देखी भी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरह की डंगरी पीनाफोन जो होता है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इसे आप हर तरह का लुक दे सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर टी शर्ट डाल सकते हैं, स्लीवलेस टी शर्ट, शॉर्ट टी शर्ट, फुल टी शर्ट, अलग अलग कलर के, मतलब कोई भी कलर डेनिम के साथ चल जाता है, ब्लू कलर के डेनिम के साथ, प्लस आप इसके अंदर टॉप भी डाल सकते हैं, टॉप डालकर भी इसे डाल सकते हैं, तो ये बहुत लुक क्रिएट करेगा और ज़्यादा दिन तक ये चलेगा, इसलिए मैंने ये लिया है। और इसका जो ब्रांड है वो है नॉटी नीनोज। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेबी हक। फर्स्ट क्राई की शॉपिंग दिखाऊँ और बेबी हक के प्रोडक्ट ना दिखाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बेबी हक के प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल लगते हैं मुझे और अच्छी क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रॉक लिया है माऊ के लिए, येलो कलर है, मैंगो येलो कलर है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा बो बना है, यहाँ पर ये फ्रिल है चेस्ट की साइड, और ये इस तरह के यहाँ पर बेल्ट है, और ये बेल्ट जो है इलास्टिकेटेड है, तो ये कुछ इस तरह से, पीछे से भी इसी तरह का है, और यहाँ पर नीचे से फ्रिल और बढ़ाए गए हैं, तो इस तरह से इसे फ्रिल है, अंदर इसका लाइनिंग है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कपड़ा है और प्योर कॉटन है। हाँ, तो ये एक बेबी हक का प्रोडक्ट है, और मैंने थोड़े बड़े साइज ही लिए हैं, क्योंकि माऊ को उसके एज का जो कपड़ा होता है वो टाइट होता है, या फिर एक दो महीने ही चलता है उसके बाद नहीं चलता, तो मैं थोड़ा आगे का साइज ले लेती हूँ उसके लिए। तो जी हाँ, ये कुछ इस तरह से है, इसमें भी कलर अवेलेबल है, स्काई ब्लू है, शायद रेड है और येलो है, और भी कुछ कलर थे लेकिन मैंने येलो लिया है उसके लिए। उसके बाद एक पैंट जो कि बेबी हक कंपनी की है, बहुत ही क्यूट सी पैंट है, और ये भी इलास्टिकेटेड है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ पैटर्न बनाया गया है, और फुल पैंट है ये, यहाँ पर इस ऐसे फोल्ड है, और इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है, फ्लावर और बटरफ्लाई बने हैं, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, तो इसके साथ कोई भी टी शर्ट चल जाएगा, तो मोस्टली मुझे लगता है वाइट कलर इसके साथ और ब्लैक कलर इसके साथ प्लेन में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके माऊ के पास टी शर्ट तो बहुत है, तो इसलिए मैंने पैंट, शॉर्ट्स, डंगरी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट जो है वो है टी शर्ट,
ये एक वाइट कलर का टी शर्ट है, इस पर लिखा है लव, और ये डोरोमी ब्रांड का है, 3 to 4 ईयर का लिया है मैंने। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, ये वाइट मतलब वाइट नहीं है, ऑफ वाइट कलर है, बहुत ही बेसिक सा टी शर्ट है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने ये इस पैंट के लिए लिया है, और एक ब्लैक है माओ के पास, वो भी पहन सकती है, और भी कलर है माओ के पास तो उसके साथ चल जाएगी उस पैंट के साथ, तो वही सब दिमाग में रखकर मैंने वो लिया है। नेक्स्ट आते हैं, ये मैं खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, ये माओ के पैंटी है। तो फ्रॉक, अगर फ्रॉक वगैरह पहनना कर उसे लेके जाती हूँ तो उसके लिए मैंने ये नए वाले लिए हैं अंदर डालने के लिए। अभी आजकल वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉक ही पहनती है बाहर जाते वक्त, तो इसलिए मैंने लिए है वो। और ये भी बेबी हक ब्रांड का ही है। उसके बाद आते हैं और एक शॉर्ट जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही फ्रेश कलर है और थोड़ी यूनिक सी है। तो ये है वो मरून कलर की, और ये दिखने में इसका लुक जो है वो स्कर्ट की तरह है, लेकिन ये शॉर्ट सी है और आप इसका लुक देख सकते हैं। पीछे से ये कुछ इस तरह से है, और ये इलास्टिकेटेड है, और ये भी बेबी हग ब्रांड का ही है। तो इसके साथ भी ये वाइट कलर का टी शर्ट जो है वो चल जाएगा, बहुत ही क्यूट लुक आएगा इसमें भी। तो ये जो मैं प्रोडक्ट सारे दिखा रही हूँ इसमें, ये जब मैं माऊ को पहनाऊंगी तो इसके साथ के जो पिक है वो कम्युनिटी पर मैं शेयर करती रहूँगी, तो कम्युनिटी चेक करते रहिए। और हाँ, यहाँ पर एक टिप, इस तरह के जो बैग्स आते हैं, मतलब आप कोई भी कपड़ा वगैरह लेते हो बेबी के लिए, तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी बैग है, और ये जिप लॉक है देखिए। तो ऐसे वाले जो बैग होते हैं वो मैं निकाल कर संभाल कर रखती हूँ, कभी कभी माओ का कुछ भी ले जाने के लिए मुझे काम आते हैं, फ्रूट्स वगैरह या फिर उसके छोटे छोटे कपड़े, सॉक्स, पैंटी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे छोटे मोटे कपड़े होते हैं ट्रैवल में वगैरह, ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है ये पैंट कह सकते हैं या पता नहीं क्या, लेकिन ना मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने गलती की कि मैंने फैब्रिक नहीं देखा इसका, और मैंने ये ले ली पैंट, और ये कॉटन नहीं है लेकिन और बहुत ही मतलब सिंथेटिक टाइप पैंट है, और लाइट वेट है बहुत, टिकेगी तो बहुत ही है, मतलब इसका कलर वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ ऊपर ये इलास्टिकेटेड है और नीचे भी इसे इलास्टिक है, बहुत लंबी भी है, तो मुझे लगता है शायद ही माऊ को अभी फ़िलहाल तो नहीं आएगी। तो मैंने सोचा था रिटर्न करूँ, लेकिन थोड़ा रिजनेबल रेट में था तो इसलिए ले लिया। तो अभी विवेक भी कह रहे कि चलेगा ठीक है घर में वगैरह पहन लेगी, तो इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट सेम है, सेम ब्रांड से है, और ये मल्टी कलर में है, तो मैंने सोचा मल्टी कलर पैंट है तो इसके साथ कुछ भी चल जाएगा, तो इसलिए मैंने लिया। लेकिन इसी प्रोडक्ट के बारे में मैंने गलती ये की कि मैंने इसका फैब्रिक नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा। तो ये एक मल्टी कलर पैंट है, दिखने में तो बहुत ही क्यूट लगती है, यहाँ पर इलास्टिक है, ऊपर इलास्टिक है, तो वैसे तो आ जाएगी, यहाँ पर इलास्टिक है तो मऊ को आ जाएगी, लेकिन दिखती हूँ अभी पहना कर उसे आएगी, तो अभी से यूज़ करना या स्टार्ट करूँगी, लेकिन गर्मी है तो मैं उसे घर में ये डाल नहीं सकती, तो सोचती हूँ अभी क्या करूँ इसका। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टी शर्ट, अगेन बेबी हक। तो बेबी हक का ये एक बेसिक सा टी शर्ट है, प्लेन। माऊ को मैंने जितने भी अभी तक के टी शर्ट लिए हैं मोस्टली बेबी हक के ही है, और बेबी हक ब्रांड का जो स्टफ़ है बहुत ही अच्छा आता है, प्योर कॉटन आता है, तो इसलिए मैं इसी ब्रांड के ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट लेना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, ये बेबी पिंक कलर में है, पूरा बेसिक सा टी शर्ट है, तो डंगरी में वगैरह ये डाल सकते हैं हम, तो इसलिए मैंने ये लिया है बहुत। और माऊ के पास और भी है फ्रॉक टाइप में डंगरी वगैरह, तो उसके साथ भी ये चल जाएगा, तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने लिया है। नेक्स्ट अगेन बेबी हक का प्रोडक्ट, ये येलो कलर का टी शर्ट है, और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि माऊ की ये जो डंगरी है इसके साथ ये बहुत ही अच्छा जाएगा, और ट्रस्ट मी गाइस, डेनिम ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन ऑसम है, आप बड़े भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है, और ये कॉम्बिनेशन
बहुत ही अच्छा खिल के आता है, तो इसलिए मैंने इस बार इसके साथ पहनने के लिए ये वाला लिया है। और भी माऊ के पास ब्लैक में एक है डंगरी, तो उसके साथ भी ये काफ़ी अच्छा जाएगा, ये भी और पिंक भी, तो मैंने सारा मतलब सोच के ही लिया है। और ये भी बेसिक सा ही प्लेन सा टी शर्ट है, और भी और कॉटन है, बेबी हक ब्रांड का ही है। नेक्स्ट बेबी हक ब्रांड का ही है टी शर्ट, और ये भी उसी तरह से पूरा बेसिक है, ब्लैक कलर सॉरी रेड कलर का है। तो जी हाँ गाइस, ये देखिए सारे इस तरह के बैग्स आते हैं, जिपलॉक आते हैं, तो संभाल के रखिए, काम की चीज़ होती है। तो जी हाँ गाइस, ये थी मेरी फर्स्ट क्राई की थोड़ी सी छोटी मोटी सी शॉपिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर कोई नया है तो, साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए, और आपने भी अपने बच्चों के लिए क्या क्या लिया मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।